2 मई को महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने बड़ा ऐलान करा। उन्होंने कहा कि मैं अब एनसीपी के अध्यक्ष का पद छोड़ रहा हूं, इससे इस्तीफा दे रहा हूं। अध्यक्ष पद से उनके इस्तीफे के ऐलान के साथ ही सियासी बवाल मच गया। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक तूफान हो गया। शरद पवार का आनन फानन में ये इस्तीफा तमाम संकेतों को भी जन्म दे रहा है। इस बीच लोग ये सोच रहे हैं कि शरद पवार ने आखिरकार अचानक ऐसा किया क्यों। एक तरफ एनसीपी के तमाम कार्यकर्ता हैं जो शरद पवार के ऐलान के बाद रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि अपना इस्तीफा वापस ले लीजिए। दूसरी तरफ अजीत पवार हैं, सुप्रिया सुले हैं, तमाम एनसीपी के बड़े नेता हैं जो एक तरफ कई लोग उनको मनाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार जैसे नेता भी हैं जो कह रहे हैं कि पवार साहब ने एक फैसला लिया है, इस फैसले का सम्मान होना चाहिए, आगे जो भी अध्यक्ष बनेगा उसका समर्थन करेंगे। एक तीसरा भाग इसमें पॉलिटिकल पंडितों का है जो मान रहे हैं कि शरद पवार वो नहीं है जो इतनी आसानी से इस्तीफा दे दें और सब मामला रफा दफा कर दें। इसके पीछे ज़रूर शरद पवार ने कोई दूरगामी सोच भिड़ाई है। सोच 2024 के लोकसभा चुनाव तक भी जाती है। शरद पवार बीते दिनों दिल्ली गए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, राहुल गांधी से मिले, क्या 2024 के लिए कोई बात शरद पवार के जहन में चल रही है। बात सुप्रिया सुले के विस्फोट वाले बयान की भी है। सुप्रिया सुले ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगले 15 दिन में 2 बड़े राजनीतिक विस्फोट होंगे। शरद पवार के इस्तीफे को पहला बड़ा राजनीतिक विस्फोट माना जाए तो क्या अभी दूसरा बड़ा राजनीतिक विस्फोट बाकी है? अगर बाकी है तो वो राजनीतिक विस्फोट क्या होगा? इन सारी बातों के बीच एक बात ये भी है कि शरद पवार ने ऐसा क्यों किया। सबके अपने अपने परिभाषाएँ हैं, लेकिन एक बात जो निकल कर आ रही है वो ये कि शरद पवार देखना चाहते थे कि आड़े गाड़े वक्त में उनके साथ कौन खड़ा होगा, पार्टी का कितना बड़ा समर्थन वर्ग उनके साथ होगा। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि शरद पवार उस संभावना को भी दबाना चाहते थे कि कल को अजित पवार अपने कुछ साथियों को लेकर पार्टी तोड़ सकते हैं, वैसा ही जैसा शिवसेना के साथ हुआ। शरद पवार ने एक इमोशनल कार्ड खेला, अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जिससे पार्टी में अचानक से उनके प्रति दबी हुई संवेदना एक बार फिर जग गई। कार्यकर्ता रोने बिलखने लगे कि वो शरद पवार को अध्यक्ष पद से नहीं जाने देना चाहते। शरद पवार ने एक तरीके से ये दांव चल कर ये सुनिश्चित कर दिया है कि कल को अजित पवार अगर चाहें और पार्टी तोड़ने की कोशिश करें तो उनके साथ ज्यादा लोग न खड़े हों। शरद पवार के इस दांव को एक पुराने दांव से भी जोड़कर देखा जा रहा है जो महाराष्ट्र से ही चला गया था, और वो दांव चला था महाराष्ट्र के दिग्गज नेता बाला साहब ठाकरे ने। ये बात 1992 की है। बाला साहब ठाकरे उस वक्त शिवसेना की कमान संभाले हुए थे। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पॉलिटिकल ग्रूमिंग चल रही थी। दोनों का धीरे धीरे पार्टी में हस्तक्षेप भी बढ़ रहा था और अनावश्यक हस्तक्षेप से बाला साहब कुछ नाराज भी बताए जाते थे। इन्हीं सारी बातों के बीच उन्होंने शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक लेख लिखा था। लेख में उन्होंने शिवसेना पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया, पार्टी के मुखिया पद को भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। शिवसेना के साथ मुखपत्र सामना में जैसे ही ये लेख छपा, शिवसैनिकों में हलचल मच गई। शिवसैनिक घर से बाहर निकल आए, भावुक हो गए, जज्बाती हो गए, लगातार मांग करने लगे कि बाला साहब को पद से नहीं जाने देंगे, पार्टी से नहीं जाने देंगे। ये सारी बातें होनी थीं और बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में, शिवसेना की राजनीति में पहले से भी कहीं ज़्यादा मजबूत किरदार बनकर उभरे। लोग कह रहे हैं कि शरद पवार ने भी अब करीब 3 दशक बाद बाला साहब ठाकरे वाला ही वो दांव चला है ताकि अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान करने के साथ ही वो अपनी ताकत को भी, अपने शक्ति प्रदर्शन को भी सामने रखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या अजित पवार के कुछ और इंटेंशन तो नहीं है। अगर कुछ और इंटेंशंस हो उनके तो पार्टी का शिवसेना जैसा हाल ना हो, एक बड़ा वर्ग संवेदना के नाते या शरद पवार के प्रभुत्व के नाते उनके साथ ही खड़ा हो। NVT ऑनलाइन की रिपोर्ट।